आज जे उसो के बुरे कर्मों की सजा देने के लिए ड्रू मैकेंटायर खुद बुरे बन गए जब उन्होंने जे उसो को क्लेमोर मार रिया रिप्ली से हाथ मिला जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया। तो हे गाइस वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में, जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। लिटरली गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें द अमेरिकन नाइट मेयर कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद कोडी रोड्स वॉशिंगटन डीसी के क्राउड से पूछते हैं कि व्हाट दे वांट टॉक अबाउट, वे किस बारे में बात करना चाहते हैं। आज आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैं और जे उसो वापस से लेंगे जजमेंट डे से हमारी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप और हमारा फोकस वॉर गेम पर भी होगा। वॉर गेम से याद आया, चलो अपनी वॉर गेम्स टीम को रिंग में बुलाते हैं। जे उसो सैमी ज़ेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के रिंग में आने के बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि हम सब इस रिंग में सिर्फ एक ही रीजन की वजह से हैं और वो है द जजमेंट डे। अब पुराने यादों को याद करते हुए सेथ और कोडी एक दूसरे के फेस टू फेस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद गाइस जजमेंट डे यहाँ आ चुकी थी। फिन बैलर ये कहते हुए आ रहे होते हैं कि हमारी जजमेंट डे एक फैमिली है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, लेकिन बात करें रिंग में मौजूद तुम लोगों की तो तुम लोग खुद को एक टीम कहते हो, एक ऐसी टीम जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सेथ तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो, रिंग में कोडी रोड्स के बगल में खड़े हो, कैसा लगता है जिसे तुम कभी नहीं हरा सके। नाउ डेमियन प्रिस्ट कोडी से पूछते हैं कि कोडी तुम रिंग में ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो, कैसा लगता है जिसे तुम हरा सकते हो लेकिन फिर भी तुम वर्ल्ड चैंपियन को नहीं हरा सकते। इसके बाद फिन बैलर सैमी ज़ेन के बारे में कहते हैं कि सैमी तुम लास्ट वीक हार गए, इसके बाद हर कोई जानता है कि तुम एक हारे आदमी के अलावा और कुछ नहीं हो। तो अब डेमियन प्रिस्ट जे उसो के बारे में कहते हैं कि क्या वे सब जे उसो पर भरोसा कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसने अपने ब्लड लाइन के लिए यहाँ खड़े हर एक को धोखा दिया है। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगों की गालियों के कारण वो जल्द ही चुप हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो ये कहते हैं कि वॉर गेम्स द जजमेंट डे के लाइफ का सबसे ब्रूटल मैच होने वाला है। ना गुस्से में सैमी कहते हैं कि ये मैच पावर के बारे में है, पावर कौन चलाता है मंडे नाइट रॉ को, वॉर गेम्स में हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि तुम चारों कुछ नहीं हो। कोडी रोड्स भी गाइस पावर के बारे में शॉट लेते हुए कहते हैं कि रिया रिप्ली कहाँ है, वो मैनी टाइम्स पूछते हैं कि कौन है तुम लोगों का लीडर। तो गुस्से में डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि मैं हूँ जजमेंट डे का लीडर। इसके बाद गाइस सेथ सभी को चुप कराते हुए अभी जजमेंट डे के अगेंस्ट एक मैच की डिमांड करते हैं। तो जेडी मैकडोना डोमिनिक वर्सेस सेथ और सैमी ज़ेन का मैच ऑफिशियल होता है। मैच का रिजल्ट इस ब्रॉल के साथ एंड होता है जहां ये सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब काफी गुस्से में एडम पियर रिंग में आते हुए सभी से कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत हुआ, अब आज रात रिंग साइड क्या तुम लोग इस बिल्डिंग से ही बैन होने वाले हो क्योंकि मुझे आज अपने मेन इवेंट को तुम लोगों से प्रोटेक्ट करना है। गाइस बात करेंगे मेन इवेंट के बारे में भी, लेकिन उससे पहले बैक स्टेज में सेथ और कोडी देखने को मिलते हैं जहां सेथ कोडी से कह रहे होते हैं कि देख मैं अभी भी तुझे पसंद नहीं करता हूं, वॉर गेम्स की बात है इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए मैं तेरे साथ हूँ। ये क्या बैक स्टेज में ड्रू मैकेंटायर और सेथ भी देखने को मिलते हैं जहाँ ड्रू सेथ को क्राउन जूल के विक्ट्री पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हाथ मिलाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि आने वाले टाइम में आगे फिर से वो एक टाइटल मैच के लिए अपॉर्चुनिटी अर्न करेंगे। अब इधर बैक स्टेज ही रिया रिप्ली डेमियन प्रिस्ट से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे कहा कि वो जजमेंट डे के लीडर हैं। तो डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि नहीं ये गलती से हो गया। तो रिया रिप्ली कहती है कि ठीक है हम तुम्हें वॉर गेम्स मैच के इंचार्ज बनाते हैं जजमेंट डे की ओर से। फिर गाइस ये बात करते हैं जेडी मैकडोना को जजमेंट डे में ऑफिशियली ऐड करने के बारे में। और आज तो ये कमाल हो गया, डेमियन प्रिस्ट ने ऑफिशियली जेडी मैकडोना को जजमेंट डे का मेंबर बना दिया। अब गाइस बात करते हैं हमारे मेन इवेंट मैच के बारे में जो कि कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रिस्ट के बीच था फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप। मैच के कुछ लास्ट मोमेंट के बारे में गाइस बात करते हैं जब जे उसो सभी को सुपर किक मार देते हैं, इसके बाद वो डेमियन प्रिस्ट को एक उसो फ्लैश लगाते हैं। कोडी रोड्स के डेमियन प्रिस्ट को क्रॉस रोड, इसके बाद जे उसो के फिन बैलर को स्पेयर के बाद कोडी और जे के एक साथ फिनिशर कोडी 1D के बाद जब वो फिन बैलर को पिन करने के लिए जाते हैं तो रिंग में डेमियन प्रिस्ट आके पिन को ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद डेमियन प्रिस्ट कोडी रोड्स को रिंग पोस्ट में मारते हैं, इस दौरान पोस्ट का एक टुकड़ा भी टूट जाता है। अब गाइस जब रिंग साइड जे उसो ड्राइव लगाते हैं तो ड्रू मैकेंटायर रिंग साइड पर दिखाई देते हैं और वो जे उसो को एक क्लेमोर किक मार देते हैं। इसके बाद गाइस वो जे उसो को रिंग में डाल देते हैं, फिन बैलर जे उसो को पिन करते हैं और पिन हो जाता है। अब रैंप पर खड़े ड्रू मैकेंटायर से मिलने आती है रिया रिप्ली, एक स्माइल के साथ ड्रू मैकेंटायर एंड रिया रिप्ली शेक हैंड करते हैं। तो गाइस आज ये था द स्कॉटिश वॉरियर से द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकेंटायर का हील टर्न। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था ना ऐसा ही कुछ होगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, जजमेंट डे को बचकर आना होगा क्योंकि द वाइपर रैंडी ऑर्टन बहुत जल्द उनके फेस टू फेस आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।